हाय, आज का लुक कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि आज ईद है। करेक्ट। तो आप सबको हमारी आर के कारीगर चैनल की तरफ से सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। चलिए, अब आज का विषय क्या है? आज का विषय है रेंट एंड यस, आज का विषय है पतंग। तो देखिए, ये पतंग है। पतंग जो है ये कट के आई हुई है। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। आपको कन्नी बनाना नहीं हमें सिखाना पड़ रहा है कि कन्नी किस तरह से बनाई जाए। तो इसको सीधा पहुंचाते हैं आसमान में और आपको दिखाते हैं कि पैंच किस तरह होते हैं। लेकिन उसमें हमने थोड़ा सा ट्विस्ट चालाकी की है। उसकी वजह यह है, हमारे पास 1 साल का मांझा रखा है। ज़रा मैं कैमरा मैन को रिक्वेस्ट करूँगा, कैमरा मैन दिखाना। ये देखिए, ये 1 साल का मांझा है। इसको 1 साल हो चुका है। इसकी खूबी यह है, इससे जो पतंग उड़ाएगा उसकी पतंग कट जाएगी। करेक्ट, काटेंगे नहीं, कट जाएगी। तो हमने क्या किया है, चलिए दिखाते हैं। ओहो, चलिए देखिए, यहाँ से गौर से देखिए, शायद आपको दिख रहा है। ये देखिए, ये हम डबल मांझा लगाया है हमने। करेक्ट, एक तीर में दो शिकार। अगर एक मांझा कट गया तो दूसरा मांझा पतंग को काटेगा। तो इस तरह से उसकी वजह यह है, कंजूसी की वजह यह है कि हम मार्केट जाना नहीं चाह रहे हैं। टाइम भी काफ़ी हो चुका है। ज़रा वहाँ दिखाना, सूरज को दिखाना। देखिए, सूरज ढल रहा है और हम इसलिए देर ना करते हुए पतंग उड़ाना चाहते हैं। चलिए, वीडियो कर रहे हैं स्टार्ट। चलिए, हमारा चरकी मैन भी दिखाओ जरा। चरकी मैन कितना बड़ा है हमारे पास। जी हाँ, देखिए, ये छोटा है हमारे चरकी मैन। और स्कूलों की छुट्टी चल रही है इसलिए चरकी बना, चरकी पकड़ के बैठे हैं। देखिए, इनके हाथ की उंगलियों में कुछ मेहंदी लग रही है हमें। ज़रा दिखाना, सूरत भी दिखाओ जरा। ये देखो सूरत, अरे अरे माशाल्लाह, नजर न लगे चीलों की। हाँ, हंसी देखो, एक बार खुल के हंसी दिखा दो कैमरा मैन। इसकी हंसी जरा नोट करें। नहीं, चलो चलो जरा यहाँ दिखाना जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वहाँ आपने सूरज देखा था, यहाँ चांद देखिए। चांद दिखाइए जरा, चांद भी देख लीजिए हमारे राज में आर के कारीगर के। वाह, चलिए कैमरा मैन देखें जरा क्या हो रहा है यहाँ पे। ओहो, हवा का प्रॉब्लम है। चलिए, ये गई आसमान में। लो, अटक गई। चलो आसमान में गई, देखिए बताइए। और डबल मांझे के साथ बहुत ही बढ़िया लग रहा है पतंग उड़ाना। ऐसा लग रहा है कि हाथ में जो है कुछ वजन है। सिंगल मांझे के साथ हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। जी हाँ, देखिए, डबल मांझा लगाने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाथ में कुछ है ना, जैसे हल्का हल्का करंट आता है अर्थिंग का, ठुम ठुम ठुम, वैसा हाथ में लग रहा है। बहुत ही मस्त लग रहा है। और ज़रा वहाँ दिखाना, पेंच हो रहे हैं वहाँ दिखा। देखिए, ये पैच हो रहे हैं। आप ये पैच हो रहे हैं क्या, मजाक कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन हमारी पतंग बहुत आगे तक चली गई है। तो हम देखते हैं, दिखाना कैमरे में इधर ऊपर। ठीक है, ओके है, ना ज़्यादा हाई है ना फाई है, बस ये पतंग है भाई, नहीं पतंग है, हाई ना फाई ना पतंग। चलिए देखिए, वहाँ पे देखिए कितने लोग, कितनी पतंगें तैयार हो चुकी हैं हमसे लड़ाने के लिए। क्या आ चुका है, एक है जो लड़ा रहा है नीली पतंग वाला। चलिए, ये यहीं कहीं से इसको देखते हैं। ये देखिए, चलिए हो चुके हैं। देखिए पैंच, ओ ये देखिए, इसको कहते हैं नस्तर। नस्तर भी वो वाला डबल मांझा लगा के भी गायब हो गई है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास काफ़ी पुराने मांझे हैं और जो यूज़ हम नहीं कर पाए और वो वक्त के साथ साथ जो है नरम पड़ चुके हैं। वो देखिए, हमारी पतंग जा रही है कट, लहराती हुई बल खाती हुई। वाव, बहुत ही बढ़िया। तो ये देखिए, अभी तक पकड़ी नहीं किसी ने। ये टेरिस पे गई जाने वाली है और ये बैठ चुकी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो डबल मांझे के साथ। लेकिन डबल मांझे ने भी कुछ नहीं किया। तो लोग जो कहते हैं कि डबल मांझा लगाइए और पतंग उड़ाइए, 100% श्योर कटती है, तो ऐसा कोई भरोसा मत रखिए, सब अफवाह होती है। हमारी कट गई तो हम अफवाह ही कहेंगे। ऑफ कोर्स, देखिए सामने भी पैंच हो रहा है, आप देख सकते हैं दो पतंगे आपको अगर दिख रही हैं तो, दोनों रेड हैं। मामा,
जी हाँ, देखिए वो दो रेड पतंगे तो निकल चुकी, क्या हुआ उनका पता नहीं, हमने कैमरा बंद कर दिया था। लेकिन जो कहते हैं कि डबल मांझे के साथ बढ़िया पतंग उड़ती हैं तो गलत बात है, वो गजब की बेइज्जती थी वो डबल मांझे के साथ पतंग कटी। बाय द वे, आगे और भी आपका साथ हमें मिलता रहे, हम इसी तरह वीडियो बनाते रहें। देखिए पतंग कटना ना कटना, काटना वो एक अलग बात है, लेकिन एंजॉय एक अलग बात है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप हमें बताइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चलिए फिर मिलते हैं हम आपको अगले ऐसी कोई वीडियो में, बढ़िया वाले में। चलिए बाय, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलें।